gimbap? Yes. Yeah, two. That's it. Right, ये बड़े वाला 3000 won का था तो I asked her not to give it to me. मैं इतना नहीं खा पाऊँगा तो हम सिर्फ ये दो ही try करेंगे. Ah, thank you. तो दोस्तों जैसे आपने सुना मैं इतना नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुका हूं ये हैंडमेड नूडल जिसका मैंने अलग से एपिसोड बनाया है और अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले इस एपिसोड को देखिए और फिर आप इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिलेगा और नीचे लिंक में मिलेगा. तो दोस्तों ट्रैवल फूडी में आपका स्वागत है और चलिए स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड. Amazing. So guys, finally ma'am convinced ho gayi hain aur jaise ki main aapko bataya main zyada kha nahi sakta to agar ye aap pura portion lenge to ye lagbhag aapko 3000 ka 3000 won ka milega. See? Ye aapko 3000 won ka milega sath mein ye upar a compliment bhi hai. बट मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को सिर्फ दो ही पीस खाने हैं दो ही तीन तो इन्होंने मुझे सिर्फ दो पीस दिए हैं तो ये ट्राई करते हैं. बस आ गया है गिम्बप तो आइए खाते हैं ट्राई करते हैं कैसा है. तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें पूरा डला हुआ है ये सीवीड है और अंदर राइस है और कैरेट है कुकुम्बर है और इनफैक्ट ये पता नहीं लीव भी है वो तो आइए देखते हैं कैसा है ये तोड़ के देखते हैं. अंदर वेजिटेबल्स हैं पेपर हैं तो आइए ट्राई करते हैं. हाउस है मैंने गलत तोड़ दी. गाइस ऐसा बोला जाता है कि इसमें इट्स सीम्स लाइक अ नारकोटिक्स मतलब नारकोटिक्स नहीं है मतलब सीवीड उसी से मिलती जुलती है एंड वंस यू विल स्टार्ट हैविंग एंड यू विल गेट एडिक्शन ऑफ इट ऐसा बोला जाता है. तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. बिल्कुल सुशी की तरह है. इट्स वेरी कलरफुल. लुक एट दैट. इट हैज अ सीस्मे सीड्स ऑन टॉप. गाइस गिम्बप मैं एक खा चुका हूँ और दूसरा मेरे पास है. देख सकते हो कितना कलरफुल है वेजिटेबल्स हैं अंदर और हल्का हल्का सा स्वीट है. एक्चुअली आपको सीस्मे ऑयल और सीस्मे का टेस्ट भी आएगा इसमें. गाइस ये साथ में वसाबी है जो इन्होंने दिया. थैंक यू. तो गाइस गिम्बप खा के भी मज़ा आ गया यार. अच्छा था काफ़ी और देखिए आप सब जगह वही लगा हुआ है यहाँ की स्पेशलिटी है. वैसे ये मार्केट गिम्बप के लिए जाना जाती थी तो आपको यही मिलेगा सबसे ज़्यादा हर जगह. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को यार सब तो नहीं खा सकते इस मार्केट में अगर आए हो आप तो दोबारा आना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे शेल्स हैं ये देखिए. वाओ व्हाट आर दीस. हाँ
नाइस गिम्बाप अगेन संडे सब यही बना रहे हैं यहाँ पे गाइस। यहाँ पे एक और डिश है, ये मिंस बीफ देते हैं और इसके ऊपर एग योक लगा के यहाँ पे दे सकते हैं और रॉ एग योक लगा डालते हैं ऊपर, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 28,000 लाइक वन। ये देखिए आप, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिस विल कॉस्ट यू 15,000 वन। और ये आपको इसके ऊपर ऐसे एग योक लगा के देते हैं और ये बीफ है, रॉ बीफ है, अंदर भी भरा हुआ है काफ़ी। तो गाइस अगर स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना है आपको तो सियोल आए, इनफैक्ट कोरिया आए, तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी और बिल्कुल अलग डिफरेंट। तो गाइस स्टार्टिंग में मैं जब आया था मैंने यहाँ पे ये देखा था, यहाँ पे ये मिलते हैं हनी हटॉक और इट्स सोल्ड आउट ही सेइंग। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं पक्का ट्राई करूँगा ये, एंड सब बिक चुका है देख सकते हैं आप, ही इज क्लोजिंग दिस काउंटर। और हनी हॉटॉक 1000 वन का है, चीज़ हॉटॉक है और 3000 का है आइसक्रीम हॉटॉक। तो गाइस नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगा मैं। और यहाँ पे क्यू लगी है, आई डोंट नो व्हाट दे आर सेलिंग, लेट्स सी। ये देख सकते हो आप, रात को भी लोग इतनी ठंड में आए हुए हैं भाई, खाने के शौकीन हैं लोग, और कोरियन लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं खाने के। ये देखिए क्यू लगी हुई है, वेटिंग चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज अगर आप सोल आए कभी भी तो इस मार्केट में जरूर आइएगा, और इनफैक्ट हर एक मार्केट में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। मैंने इससे पहले म्योंगडोंग गया था, वहाँ पे मैंने कवर करी थी चीज़ें, काफ़ी अलग थी इनफैक्ट, और यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अलग हैं। तो काफ़ी अलग अलग कोरियन स्ट्रीट फूड आपको अलग अलग मार्केट की स्पेशलिटी है, जैसे यहाँ की मैंने आपको बताया ये गिम्बप है, और इनफैक्ट ये नूडल्स मिलेंगी आपको हैंडमेड, और थर्ड आइटम आपको वो मिलेंगे पैनकेक्स जो मूंग बीन्स के हैं। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये स्ट्रीट फूड टूर और मज़ा आया। अभी हम चलते हैं, एज़ यू नो क्रिसमस है तो भैया लाइट्स वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा खाना हमने खा लिया है, डिनर कर लिया है, और काफ़ी ठंड है, टाइम से वापस जाना है, और ऐसा ना हो मुझे कहीं कोल्ड लग जाए। तो गाइस लाइक करना तो बनता है इस वीडियो को भाई, इतनी ठंड में आपके लिए मैं बाहर आया हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, व्लॉग बनाया मैंने आप लोगों के लिए, तो लाइक तो बनता है। और इनफैक्ट शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर वो कभी सोल आ रहे हैं तो उनको भी बताइए, और अगर वो भी खाने के शौकीन है मेरी तरह तो उनके साथ शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं, हम लाइक्स कवर करते हैं, यहाँ पे क्रिसमस है, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। ये मेरा लास्ट विजिट है इस ईयर का, तो इस साल ख़त्म होने वाला है, इसके बाद मेरे को लगता है कि मेरा इंटरनेशनल ट्रिप नहीं होगा इस ईयर का। तो क्रिसमस है तो इसलिए मेरे लिए तो भाई यही क्रिसमस है। आज है डेट 20th और सिर्फ 4 दिन रह गए हैं क्रिसमस में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्रिसमस मनाया जाता है सोल में, तो मैं वो भी देखना चाहता था। तो मैंने कहा पहले फूड कवर कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाएगी अपने को क्या लेना देना, लाइट्स तो ऑन रहेगी। तो आइए चलते हैं, लाइट्स देखते हैं।
जीरो डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और तब भी देखिए आप लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं भाई। क्रिसमस का टाइम है तो क्यों ना घूमें, इज़न्ट इट? तो गाइस वीडियो आने वाली है क्रिसमस की, क्रिसमस से पहले मैं अपलोड करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ ट्रैवल फूडी के साथ।